तो आज का जो वीडियो है वो मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू वेरी रिसेंटली एंड सच बताऊँ मैं थोड़ा सा डर गया था जब मेरे साथ ये पूरा चीज़ हुआ एंड दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन प्रोटीन्यूरिया, फ्रॉथी यूरिन, बबली यूरिन, किडनी इशूज़, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टुडेज वीडियो. Stay tuned. So hey guys, welcome back to The Bearded Chokra. मेरा नाम है अभिजीत बंसाली. What had happened is that recently मेरे पास चैनल के लिए टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ प्रोटीन लिए भी एंड मुझे कुछ प्रोटीन मिले भी. फॉर एग्जाम्पल जेंटल बीस्ट का प्रोटीन मेरे पास आया हुआ था, उसके ऊपर मैंने अमूल का भी प्रोटीन लिया हुआ था, वे प्रोटीन जो है, एंड दोनों के वीडियोज़ जो है मैंने आपको चैनल पर दिए हैं. एंड उसी चक्कर के अंदर मैं ऑन अ डेली बेसिस एक एक स्कूप वे प्रोटीन कंज्यूम करने लग गया था. ऑल ऑफ द प्रोटीन आई रिक्वायर्ड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 90 to 100 grams विच आई एम कंज्यूमिंग इन अ डे आई गेट इट फ्रॉम फूड. मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे रिलाई नहीं करता था, बट सिंस दीज टू प्रोडक्ट्स केम बैक टू बैक, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मुझे इन दोनों को टेस्ट करके वीडियोस बनाने थे, तो मैं रोज़ उसे कंज्यूम करने लग गया था. एंड उसी के चक्कर में व्हाट आई हैपन टू नोटिस इज़ दैट मैं जब यूरिनेट करता था बहुत ज़्यादा बबल्स, बहुत ज़्यादा फ्रॉथ, बहुत ज़्यादा फोम दिखने लग गया था. ओके, एंड नाउ कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड एंड ऑल्सो रीडिंग अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है एंड ऐसा हो सकता है कि ये बहुत टाइम से हो रहा हो और ये सिर्फ अभी मेरे ध्यान में आया हो बिकॉज आई वॉज टेकिंग दीज प्रोटीन सप्लीमेंट्स. ओके, इट डजेंट मीन दैट इफ़ यू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके किडनीज ख़राब हो जाएंगे. एंड सच बताऊं बहुत सारे YouTube के ऊपर वीडियोस हैं जो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, बहुत ज़्यादा डरावने हैं, इन द सेंस दैट वो आपको सीधा सीधा बता देंगे कि अगर आपके यूरिन में बबल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी किडनीज जो है वो प्रोटीन एक्सक्रीट कर रही है, लीक कर रही है, और इसका मतलब यह है कि आपको किडनी फेलियर हो चुका है या फिर आपकी किडनीज खराब हो चुके हैं. नाउ दिस इज समथिंग दैट कैन रियली स्केयर समवन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जो अपनी बॉडी को या फिर ह्यूमन बॉडी को अच्छे से नहीं जानता है. सो बिफोर वी गेट इनटू माय टेस्ट एंड माय रिजल्ट्स, आई वांट टू टेल यू कि अगर आप ये नोटिस करते हो, चाहे आपने अभी अभी प्लांट प्रोटीन, वे प्रोटीन, आइसोलेट, सोय प्रोटीन, या फिर आपने सिर्फ डाइट में अपनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी है एंड आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं या फ्रॉथ आ रहा है, व्हाट कुड बी द रीज़न एंड इज इट समथिंग टू वरी अबाउट. सो जब भी आपको ऐसा कुछ नोटिस हो ना तो यू मस्ट गो इन स्टेप्स. सबसे पहले वो सारी चीज़ें कर लो जो आप घर पे कर सकते हो. ओके, डू ऑल द होम टेस्ट जो कोरिलेशन टेस्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, वो सारी चीज़ें पहले कर लो एंड उसके बाद जो है यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वो भी करवाओ कंफर्मेशन के लिए. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फोम एंड बबल्स. ओके, दो टाइप के आपको यूरिन्स देखने मिलेंगे. एक तो ये है कि आपने यूरिन किया और बबल्स देखने मिल रहे हैं जो क्लियर है. ओके, बड़े बड़े या छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं एंड कुछ मिनट अगर आप रुक जाते हो, 1-2 मिनट आप रुक जाते हो तो वो पॉप होके या फिर डिसइंटीग्रेट होके वो चले जाते हैं. एक होता है कि पूरा एक फोम बनना, फोम मतलब झाग. ओके, जैसे हम बियर को पोर करते तभी आता है या फिर जो फोमिंग फेस वॉश आता है उससे थोड़ा सा लाइटर, वैसे टाइप का अगर झाग बन रहा है जिसके अंदर आपको एक वाइटिश ओपेक लेयर दिख रही है, देन दैट कुड मीन समथिंग एल्स. ओके, तो पहले तो ये करो कि दोनों में डिस्टिंग्विश करो कि आपका कौन सा कंडीशन है. यूजुअली अगर जो बबल वाला है, क्लियर बबल्स आ रहे हैं, 1-2 मिनट में चले जा रहे हैं, दैट यूजुअली इज नथिंग टू वरी अबाउट. लेकिन जो दूसरा कंडीशन है, यू नीड टू डू अ लॉट मोर टेस्ट अबाउट इट. सेकंड जो चीज़ आपको टेस्ट करनी है वो ये है कि जब भी आपको ये बबल्स वाला सिनेरियो या फ्रॉथी वाला यूरिन सिनेरियो दिख रहा है, इज इट व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड, मतलब आपकी जो यूरिन पास हो रही है वो थोड़ी सी डार्कर येलो शेड के अंदर या थोड़ी सी लाइट ब्राउन शेड के अंदर अगर जा रही है तो दैट कुड मीन दैट द यूरिन इज गेटिंग स्टैग्नेटेड इन द ब्लैडर and it could mean that you are dehydrated for a very long period of time, जिसके वजह से ये bubbling भी आ सकता है यूरिन के अंदर. And usually अगर आप अपने hydration levels को बराबर कर देते हो, properly well hydrated रहते हो, तो ये जो issue है वो भी चले जाता है. तीसरी चीज़ जो आपको check करना है वो ये है कि कुछ दिनों के लिए आप जो है वो एक मॉडरेट प्रोटीन डाइट के ऊपर या फिर एक लो प्रोटीन डाइट के ऊपर जाके देखो. लो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ 10, 15, 20 ग्राम खाओ प्रोटीन दिन के अंदर. लो मीन्स कि आप जो है वो 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट से थोड़ा सा कम या फिर 0.8 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट उतना खा के देखो जितना यूजुअली आरडीए में रेकमेंड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा 1.2, 1.5, 1.8, 2 ग्राम्स पर के जो बॉडी वेट वैसा कुछ खा रहे थे, तो कुछ दिनों के लिए लो प्रोटीन थोड़ा सा खा के देखो या मॉडरेट प्रोटीन खा के देखो, एंड उसमें आप कुछ दिनों के लिए नोटिस करो कि प्रोटीन कम खाने से क्या मेरा यूरिन में प्रॉब्लम जो इशू था वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है देन दैट मीन्स दैट यू आर जस्ट कंज्यूमिंग टू मच प्रोटीन देन योर बॉडी कैन हैंडल। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो बाकी के टेस्ट भी करो और जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा वो भी करो। फोर्थ थिंग जो आपको चेक करनी है वो ये है कि आप अपने यूरिनेशन का स्टाइल जो है वो चेंज करके देखो। यूजुअली इफ यू आर अ मैन, यूजुअली यू विल पी व्हेन यू आर स्टैंडिंग और यू विल यूरिनेट व्हेन यू आर स्टैंडिंग, ओके। तो हम जब खड़े खड़े यूरिनेट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूरिन हिटिंग द वाटर इन द कमोड, ओके, उसके वजह से भी ये जो बबल्स हैं, जो फ्रॉथ है वो पैदा हो सकता है। तो आप क्या करो कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूरिनेटिंग इन द वाटर ऑफ द कमोड, यू यूरिनेट ऑन द साइड्स ऑफ द कमोड, ओके, ऑन द वॉल्स ऑफ द कमोड। वो करने के बाद आप देखो कि ये वापस से इशू आ रहा है या नहीं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग एंड पीइंग, सिट एंड पी। बैठ के यूरिन पास करने के बाद भी अगर आपको फ्रॉथ या फोम दिख रहा है देन यू डू द अदर टेस्ट। अगर बैठने के बाद आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियर है सब कुछ, नो बबल्स, नो फ्रॉथ और फोम और एनीथिंग, देन यू आर गुड टू गो। इसमें बहुत सारे ना छोटे छोटे फैक्टर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो ये है कि टॉयलेट क्लीनर आप अगर कॉन्स्टेंटली आपकी जो मेड हैं या घर पे कोई यूज़ करते रहता है तो उसके वजह से भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। या फिर आप जो है कुछ कमोड्स बहुत लो होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द कमोड एंड योर यूरिन वो भी मैटर करता है। कुछ कमोड्स की डिज़ाइन ही अलग होती है, उसमें जो वाटर कंपोनेंट होता है कमोड का वो कुछ में कम होता है तो उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनमें वाटर कंपोनेंट ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। तो वन थिंग दैट यू कैन डू टू एलिमिनेट दीज वेरिएबल्स इज़ दैट यूरिनेट इन अ स्टेराइल कप। जो यूजुअली हमें यूरिन टेस्ट के वक्त दिया जाता है एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कप, उसके अंदर यूरिन करके देखो। उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा फोम या फ्रॉथ आता है तो बाकी के टेस्ट करो। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा लेकिन आपके कमोड में आ रहा है देन दैट कुड बी दैट द अदर वेरिएबल्स आर क्रिएटिंग दिस इशू। फिफ्थ, और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो आप मैं बाथरूम वाले टेस्ट आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपको अपने सिम्टम्स भी चेक करने हैं। क्या ये हो रहा है कि आपको पफी फेस हो रहा है, फेस में वाटर रिटेंशन हो रहा है, या फिर पैरों में, एंकल्स में वाटर रिटेंशन हो रहा है, पैर सूज गए हैं, या फिर आपको जो है वो पेट सूज गया है, पेट एब्डोमेन जो है वहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन जिसको बोलते हैं वो दिख रहा है, या फिर आपको जो है वो लोअर बैक में या फिर बैक में ही रिब केज के नीचे थोड़ा सा वहाँ पे पेन हो रहा है क्या। ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स भी आप चेक करो। या फिर आपको अपने यूरिन के कलर में या स्मेल में बहुत ज़्यादा कुछ अजीब नोटिस हो रहा है क्या, या फिर आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है क्या। ये सारे सिम्टम्स भी साथ साथ चेक करो व्हेन यू आर चेकिंग फॉर दिस बबली और प्रोटीन यूरिया और फ्रॉथी यूरिन। एंड नाउ सिक्स्थ एंड फाइनली, ये सारे टेस्ट जो घर पे कर सकते हैं वो करने के साथ साथ आपको जो है वो अपना एक ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट ये भी करवाना है। कौन से टेस्ट करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आई एम नॉट गेटिंग इन टू ऑल द कोरिलेशंस विथ लिवर विथ दिस एंड दैट, आई एम जस्ट टेकिंग टू द किडनी राइट नाउ। What you need to do is you need to do a serum creatinine test, you need to do a blood urea nitrogen, uric acid, complete urine routine, EGFR which is your glomerular filtration rate and your microalbumin creatinine ratio. Now, अगर आपको ये फ्रॉथी यूरिन, बबली यूरिन ये सारी चीज़ें दिख रही थी, फिर आपने टेस्ट कराए और टेस्ट के अंदर आपके बर्न लेवल्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स ऑफ है, आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है, आपका जो EGFR है वो बहुत ज़्यादा ऑफ है, आपके बहुत सारे यूरिन मार्कर्स इवन यूरिन रूटीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है वो अगर प्रेजेंट है या फिर डिटेक्ट हुई है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी चेक्ड। सिर्फ कोई यूट्यूब वीडियो देख के या कोई आर्टिकल पढ़ के या फिर यूरिन के अंदर बबल्स देख के डर मत जाना, ओके। समटाइम्स इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, यू नीड टू डू अ टेस्ट टू क्लैरिफाई एंड टू कन्फर्म दिस, ओके। अब अगर ये सारे टेस्ट के अंदर प्रोटीन आ जाता है, राइट, प्रोटीन लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी डरो मत। स्ट्रेट अवे बुक अ कंसल्टेशन विथ नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास जाओ, उनके साथ डिस्कस करो एंड इफ यू डिटेक्ट दिस अर्ली ऑन things can be improved. Now, if you look at my reports, so basically मैंने आपको मेरे urine का एक footage भी दिखा दिया. We are doing this for educational purposes, so I'm not going to apologize for showing you urine. You need to see it to actually understand अगर आपको ये issue है या नहीं, right? So आपने वो urine वाला footage देखा, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा bubbles दिख रहे होंगे, right? And तब वो जो urine मैंने पास किया था, that was fasted urine. मतलब मैंने कुछ खाया भी नहीं था तभी, कोई protein अंदर गया भी नहीं था. तो जो मैंने test कराए, वो आपके सामने है यहाँ पे, और ये सबसे recent tests हैं. So this shows you clearly that the EGFR, which is glomerular filtration rate, वो normal है. आपका जो uric acid है, वो भी normal है. Blood urea nitrogen, वो भी normal है. आपका जो यूरिन रूटीन है दैट इज ऑल्सो परफेक्टली नॉर्मल, कोई भी वहाँ पे प्रोटीन डिटेक्ट नहीं हुआ है. उसके अलावा एक ही जो रिपोर्ट है जो थोड़ा सा ऑफ आया है वो यहाँ पे आया है, माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो. अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये तो गड़बड़ है, ये गलत आ गया, ये थोड़ा सा ऑफ आ गया. वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लुक एट द इंटायर रिपोर्ट होलिस्टिकली. ओके, कोई एक रिपोर्ट देख के आप सडनली कोई चीज़ के ऊपर जजमेंटल मत हो जाओ. वो जो रिपोर्ट है वो कभी कभी ऑफ आ सकती है प्योरली बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग रेंजेस. अब ये जो लैब है उसकी रेंज सबसे कम 5 है. एंड मैंने क्या किया था, ये टेस्ट यूरिन टेस्ट करवाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था ताकि जब वो फ्लेबोटोमिस्ट आए और मेरा सैंपल कलेक्ट करे तब मेरे को यूरिन आनी भी तो चाहिए, राइट? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या हो गया कि वो जो कलेक्शन के लिए आने वाले थे वो थोड़े से लेट हो गए. सो आई वॉज होल्डिंग इट. ओके, सो ऐसा हो सकता है दैट बिकॉज आई ड्रैंक सो मच वाटर आई डाइल्यूटेड द यूरिन एंड दैट इज़ वाई ऐसा हो सकता है कि वो जो है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है. अब ये जो माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो है वो अगर ऑफ आया, ओके, उसके साथ साथ बाकी के मार्कर्स भी, मतलब BUN हो गया, सीरम क्रिएटिनिन हो गया, EGFR हो गया, बाकी सारी चीज़ें वो भी अगर ऑफ आते तो मैं रीटेस्ट करवाता, राइट? मैं सारी चीज़ों का रीटेस्ट करवाता कुछ दिनों बाद टू मेक श्योर कि किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं, राइट? या फिर मैं रीटेस्ट करवाने के बाद भी अगर कुछ मिलता देन आई वुड गो टू द डॉक्टर. बट सिंस ऑल द अदर मार्कर्स वर फाइन एंड ओनली दिस वन मार्कर्स वाज ऑफ एंड विच इज़ यूजुअली ड्यू टू ओवर हाइड्रेशन और डाइल्यूशन ऑफ द यूरिन, आई एम लेटिंग इट गो. एंड आई एम श्योर दैट इफ देर आर डॉक्टर्स वॉचिंग दिस वीडियो आप बता सकते हो कि यू नो रिपोर्ट्स में आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है या नहीं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो अदर सिम्टम्स, देयर इज़ नो वाटर रिटेंशन, देयर इज़ नो अदर इशू जो मैंने बाकी आपके साथ यू नो शेयर किया है. एंड ऑल्सो व्हेन आई सिट एंड पी देयर इज़ नो बबल्स और नो फ्रॉथ और नथिंग. एंड व्हेन आई गिव माय यूरिन सैम्पल इन दी स्टेराइल कंटेनर वहाँ पे भी कोई बबल्स या फ्रॉथ या फोम नहीं था. सो दिस मीन्स दैट देयर इज़ नॉट अ मेजर इशू एंड यू कैन स्टॉप वरिंग अबाउट इट. तो ये था आज का वीडियो. आई होप जितना हो सके मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आपको सारी चीज़ें ना ब्रेक डाउन करके समझ में आ जाए. आई होप इट वॉज वर्थ योर टाइम एंड आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो इफ़ यू हैव नोटिस्ड अ सिमिलर थिंग एंड वॉट यू हैव डन अबाउट इट. आई वुड रियली रियली लव टू नो योर जर्नी एंड आपने इसको कैसे टैकल किया. क्या आप भी डर गए थे जब आपने फोमी यूरिन या फ्रॉथी यूरिन देखा था? Let me know in the comments down below. Apart from that, I am planning to do a video on my blood test, complete blood test. उसमें क्या चीज़ें अच्छी आई है, क्या चीज़ें बुरी आई है. Let me know in the comments if you want to see that as well. ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए कि आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हो तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए. Let me know if that is something you guys are interested in. Apart from that, don't forget to check out all the recent videos on the channel. बहुत सारे videos हैं. And don't forget to like, share, subscribe. And hit that bell icon as well. Jab tak hum log agli baar mile, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.